हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के अंदर में जो भी स्टूडेंट्स जाने वाले हैं उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन किस प्रकार के होने चाहिए, उन्हें सब्जेक्ट किस तरह के सेलेक्ट करने चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट बेनिफिट देगा उन्हें, ठीक है, नंबर अच्छे किस सब्जेक्ट के बेसिस पे आएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, आपको नॉलेज किस सब्जेक्ट से ज़्यादा गेन करने के लिए मिलेगा, और एक चीज़ और लास्ट में ऐड करना चाहूँगा मैं आपके साथ कि नंबर कभी भी आपके नॉलेज को डिफाइन नहीं करता कि आप कितने काबिल हो, ठीक है, आपके अंदर में कितनी योग्यता है वो कभी भी आपके नंबर डिफाइन नहीं करते, पर नंबर हमेशा आपका रास्ता खोलता है, एक तरह से चाबी की तरह काम करता है जिससे आप लॉक खोल सको आगे बढ़ने का। अगर मान लो कोई स्टूडेंट PhD करना चाहता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट बहुत बड़ा स्कॉलर बनना चाहता है, तो वो तभी बन सकता है जब उसके अच्छे नंबर आएंगे लीगली तौर पर, ठीक है, आगे बढ़ पाएगा, आगे की स्टडी कर पाएगा। अगर नंबर अच्छे नहीं है, नॉलेज बहुत है पर बेनिफिट नहीं है उसका, नंबर तभी अच्छे आएंगे जब आप अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, अच्छे से स्टडी करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है, अच्छे से एग्जाम दोगे तब आएंगे नंबर। और कई बार क्या होता है कि हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय दूसरे को देखते हैं कि यार उसने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा था, मैं भी यही करूँगा, ठीक है, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया था, मैं भी यही लूँगा, तो ये चीज़ें होती हैं ना, कई बार फंसा देती हैं। तो आप जब भी एमए हिस्ट्री के लिए एडमिशन ले रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर में, सेकंड ईयर स्पेशली, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन अपनी स्ट्रेंथ को देख कर लें, ठीक है, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से आता है, मैं किस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर में सिर्फ मैं गाइड करने वाला हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर में ये चीज़ें होती हैं, बट आप अपना स्ट्रेंथ देखकर, अपनी काबिलियत देखकर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, ये सजेशन रहेगा आप सभी स्टूडेंट का। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी सब्जेक्ट में मेरा पकड़ बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को जानता हूँ, मैंने उसके ऊपर बहुत टाइम दिया, तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट ईजी है, पर आपने नहीं दिया टाइम तो आपके लिए वो सब्जेक्ट टफ है, तो मेरा ईजी आपके लिए टफ होगा या आपका टफ मेरे लिए ईजी होगा ये डिपेंड नहीं करता। तो अपना स्ट्रेंथ देखें, आपका स्ट्रेंथ क्या है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल पेज पे हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। आपको करना क्या है, तो डायरेक्ट गूगल पे जाना है, एमए हिस्ट्री, ठीक है, इग्नू लिखना है। इग्नू लिखने के बाद जब सर्च करोगे तो आपको एक ना प्रोग्राम गाइड मिल जाएगा इग्नू का, जिसके अंदर में एमए हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा डिटेल है, कंटेंट दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर में पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या क्या है। तो इसके पेज नंबर 7 पे, ठीक है, इसके पेज नंबर 7 पे आपको एक यहाँ पे प्रोग्राम गाइड मिल जाता है कि क्या चीज़ है, किस तरह से इग्नू के अंदर में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको ये सब्जेक्ट रहते हैं ऑप्शन के अंदर में और आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ थोड़ा लिख कर भी। तो दोस्तों ये पेज है प्रोग्राम गाइड का, जिसके अंदर में हमें पूरा जो एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के अंदर में जो भी सब्जेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये सब्जेक्ट ऑप्शन इसके अंदर में से हमें ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर में हमें टोटल 32 क्रेडिट के सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। चूज़ करने जैसा ऑप्शन नहीं होता, ऑलमोस्ट सारे कंपलसरी होते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आ नहीं रहे होते हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट कंपलसरी दिखाता है, दो ऑप्शनल दिखाता है, पर वो दोनों जो ऑप्शनल होते हैं उसके अंदर में भी कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो इसके कारण से वो भी एक तरह से कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट ईयर आपका क्लियर हो गया, 32 क्रेडिट आपने गेट कर लिए और आप अच्छे से पास हो गए। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के अंदर में जो हमारा पहला सब्जेक्ट आता है MHI 03, जिसके अंदर में हम बात करते हैं हिस्टोग्राफी की, इतिहास लेखन की, इतिहास कैसे लिखा जाता है, ऐसे किसी भी घटना को, किसी भी घटना, किसी भी इंसिडेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लोगों के सामने कैसे लाया जाता है, एक इतिहासकार किस तरह से इतिहास को बताता है, उसको किस तरह से क्रिएट करता है, इतिहास को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन के अंदर में। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं इसके अंदर में, तो थोड़ा सा टफ भी रहता है, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस वाले सब्जेक्ट को छोड़ दो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमए हिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि आप जब एमए हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको लिखा कैसे गया, ठीक है, इसको तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पे कई सारे जॉब्स भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप कई बार एडिटर के तौर पर जॉब्स कर सकते हो, किसी न्यूज़ एजेंसी में जॉब कर सकते हो, कंटेंट राइटर के तौर पर जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपको एक आइडिया रहेगा कि किस तरह से कंटेंट को तैयार किया जाता है। कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना घटी, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको तैयार कर रहे हो तो उसको बताओगे ना किस तरह से जोड़ोगे, तो वो आपको एमए हिस्ट्री MHI 03 हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन के अंदर में पढ़ने के लिए मिलता है, जिससे आप उसको समझ पाते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया तो कंपलसरी हो गया अपना। उसके बाद में हम बात करें MHI 06 का, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्या है, किस तरह से ना समय के साथ में थ्रू द एजेस सोशल स्ट्रक्चर बदला। अब देखो सोशल स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या, आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, मेरे जींस विंस पहनता हूँ नॉर्मल, जो नॉर्मल आजकल हमारा पहनावा है, खान पान में बर्गर समोसा पिज्ज़ा मैकडोनल्ड जा रहे हैं, पर सोशल स्ट्रक्चर क्या इस तरह का था पहले? अपना नहीं था ना। आज के समय में लैपटॉप पे आपको वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो डाल के पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले इस तरह का था क्या? नहीं था, गुरुकुल में पढ़ाते थे। तो समय के साथ में किस तरह से परिवर्तन आया, किस समय में क्या परिवर्तन आया, उसको आप पढ़ोगे। तो एक लंबे टाइम पीरियड को हम इसके अंदर में कवर करते हैं, ठीक है? बहुत लंबे टाइम पीरियड के अंदर में थोड़ा सा क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर में, एग्जाम के अंदर में, वो कन्फ्यूजन हो वाले होते हैं कि यार इस आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, टाइम ऑफ फ्रेम को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? याद रखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम ऑफ फ्रेम याद है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर में ये घटना घटी, तो आप इजिली इसको कवर कर पाओगे, ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्रेम आपको याद करके चलना पड़ेगा कि भैया ये वाले टाइम पीरियड के अंदर में ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे घट रही थी, तो ये वाला क्वेश्चन इस वाले टाइम फ्रेम का बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है, या क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर में? तो जैसे देखो, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, या फिर हम बात करें पहले जो आरंभिक मानव हुए, तो आरंभिक मानव अपना जीवन व्यापन किस तरह से करते थे? तो जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, इधर उधर से जो फल वल, फल फूल, कंदमूल के फल इकट्ठा करके लाते थे, उसको खाते थे, ठीक है? पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पशुओं को पालने लगे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो खेती की ओर बढ़ने लगे, खानाबदोश उसकी ज़िंदगी जीने लगे, खेती बाड़ी की ओर बढ़ने लगे, कृषि करने लगे। कृषि के बाद क्या हुआ भैया, उन्होंने आग जलाना सीखा, आग जला के आगे आगे बढ़ते 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 बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे विकास करने लगे और आज के समय में हम पहुँच गए, ठीक है? तो किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस हुआ उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, समझ में आता है, बहुत सारे नॉलेज भी देके जाता है, ठीक है? बट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से और सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। MHI 08, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये इजी बुक है। इजी बुक इसलिए क्योंकि इसके अंदर में आप ना हिस्ट्री के, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हो, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो कि पर्यावरण व्यवस्था है किस प्रकार का, भारत का, भारत का भू परिदृश्य किस प्रकार का है, ठीक है? भारत के अंदर में भारत दिखता कैसा है, भारत है क्या, आप अपने इंडिया को जानोगे, इंडिया के इन्वायरमेंट को जानोगे, इंडिया के पर्यावरण को जानोगे, ठीक है? इसके बारे में यह है, इजी बुक है। इसके अंदर में नॉर्मली बता रखा है कि आरंभिक समय से, मतलब किस तरह से चीज़ें परिवर्तन हुई, इकोलॉजी के अंदर में क्या परिवर्तन है, जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार की है, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? किस तरह से हम जल संसाधन, वायु संसाधन का उपयोग करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए, तो उसके बारे में एक सोशल मैसेज के साथ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करता है। देखो, अगर आप नंबर अच्छे लेना चाहते हो तो MHI 08 को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखें, पर अगर आप मान लो नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट कुछ खास नहीं रहता, तो अगर इन्वायरमेंट को छोड़कर अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो फिर दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ें। बट अगर नंबर के लिए चाहते हो कि नंबर अच्छे से कवर हो, ज़्यादा हमें मेहनत ना करना पड़े, तो MHI 08 एक ईजी सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके जो चैप्टर्स हैं आपने अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा है, तो ईजी पढ़ जाता है सब्जेक्ट और ईजी रहता है नंबर गेन करने के लिए। आप अगला सब्जेक्ट आता है MHI 09, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इस पूरे सेगमेंट का, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार का रहा, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, 1947 में हमें आज़ादी मिलती है तो क्या ऐसा थोड़ा ना था कि रातों रात आज़ादी मिल गई, अचानक से अंग्रेजों का मन किया कि भैया जाओ आज से आप आज़ाद हो, ऐसा तो हुआ नहीं, तो एक लंबा संघर्ष रहा। तो उस पूरे संघर्ष के टाइम पीरियड को आप देखोगे, पढ़ोगे, उसके अंदर में अलग अलग लोगों की स्थिति जानोगे, और स्पेशली जो इसके अंदर में टॉपिक रहता है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का टॉपिक रहता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि नेशनलिज्म किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता दिलाई, नेशनलिज्म की विचारधारा किस प्रकार से ग्रो करी, और अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म के क्वेश्चन बन के आएंगे कि आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, इकोनॉमिकली की मतलब आर्थिक फेस में नेशनलिज्म क्या होता है वो यहाँ पे आप बताओगे इकोनॉमिक के फेस में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं नेशनल मूवमेंट से, और ये जो नेशनल मूवमेंट वाला इजी किस लिए है, क्योंकि आप पहले से इसको पढ़ते आ रहे हो, गांधी जी के बारे में जानते हो, दांडी मार्च, बाकी जितने आंदोलन हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी के बारे में आपने बचपन से पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार लोगों के मुंह से सुना होगा, तो उसके कारण से ये वाला ईजी है। अब MHI 010 के बारे में बात करें, तो MHI 010 अर्बनलाइजेशन इन इंडिया, नगरीकरण भारत के अंदर में किस प्रकार से हुआ, नगरीकरण होता क्या है, नगरों का उदय, ठीक है, नगरीकरण मतलब नगरों का उदय, नगरीकरण मतलब भारत, नगरों का उदय तो समझ में आया, पर क्या आज के समय में जो भी नगर बनता है वो एक बार में बना होगा, ठीक है? दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली क्या आज से 50 साल पहले ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं, दिल्ली पूरा बंजर जैसा था, इतनी ज़्यादा विकास नहीं थे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, आज के समय बढ़ गया, ठीक है? तो नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ, नगरों का विस्तार किस प्रकार से हुआ, किस तरह से उसने ग्रो किया, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस किस प्रकार का था, ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ोगे, नगरीकरण के विस्तार को, नगर बना कैसे उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, ग्राम से नगर की ओर जाना, ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगी आपको, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला बुक भी, ठीक है, बहुत सारे नॉलेज देके जाता है। बट
इस बुक के अंदर में एक चीज़ रहती है कि ये बहुत बड़े टाइम पीरियड को कवर करता है एज लाइक MHI 06 की तरह पे, पर MHI 06 के अंदर में क्या थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ होती है, हर एक टाइम पीरियड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करता है तो वो इजी बढ़ जाता है। ठीक है, एक लंबे टाइम पीरियड कवर करने के साथ साथ में भी पर वो ईजी रहता है बुक, क्योंकि वो जितने भी चैप्टर से एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं तो आप इजिली कनेक्ट करके आप आंसर लिख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, अगर थोड़ा सा आपको याद नहीं है तो भी। पर MHI 010 के अंदर में प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी चैप्टर हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं करते हैं। इंटरलिंक नहीं करने के कारण से क्या होता है कि हमें हर एक चैप्टर के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाकर हमें पढ़ना पड़ता है, माइंडसेट रखना पड़ता है कि इस चैप्टर के अंदर में ये चीज़ें पढ़ने के लिए आ रही हैं, इस सिमिलर नहीं है पीछे वाले से। ठीक है, और इसके अंदर में भी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को यहाँ पे कवर करने के कारण से वो थोड़ा लेंथी बन जाता है चैप्टर, तो ये थोड़ा सा टफ बुक रहता है। ठीक है, और मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है MHI 010 के साथ में, जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था तो ऑलमोस्ट एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर में 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट्स में से मान लो 25 स्टूडेंट्स का, जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ऐसे ही खड़ा होकर मैं बात कर रहा था, तो 25 स्टूडेंट्स का ये कहना था कि MHI 010 दैट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक इन MA History 2nd ईयर। ठीक है, ऐसा उनका कहना था कि MHI 010 जो लिया है ना वो मेरी बड़ी गलती है, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे अच्छा लगा, अच्छे नंबर आए, तो फिर मुझे तो नहीं लगा कि गलती थी। बट ये चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में वो कहा था ना कि अगर मुझे मेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका भी अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि MHI 010 जरूर लें, बट मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है MHI 010 के अंदर में, तो यहाँ पर मैं सारे सब्जेक्ट को इसलिए थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ने के लिए रहेगा। ठीक है, अगले चैप्टर अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आते हैं MPSE 03 और 04। देखो ये दोनों सब्जेक्ट जब भी आप लोगे ना तो दोनों सब्जेक्ट साथ में आएंगे, बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप कहते हो कि भैया मुझे ये लेना है तो बोलेगा ये भी जाऊंगा मैं साथ में। अब इसके अंदर में है क्या, तो MPS 03 के अंदर में हम बात करें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो पश्चिमी विचारधारा थी ठीक है वो किस प्रकार की थी। और ये दोनों सब्जेक्ट आपको MA पॉलिटिकल के अंदर में भी मिलेगा आपको देखने के लिए, कई जगह और भी इसको यूज़ किया गया है ठीक है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पे प्लूटो से लेके मार्क्स तक की जो विचारधारा थी ना वेस्टर्न साइड में, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। बुक अच्छा है ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छा देके चला जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल का, कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, मार्क्स की क्या विचारधारा थी, प्लूटो की क्या विचारधारा थी, पश्चिमी जितनी विचारधारा थी ना उसको आप यहाँ पे पढ़ोगे ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक है, कई एक तरह से मान लो सभी जो विचारक थे ठीक है, जो भी आइडियोलॉजिस्ट थे उनकी बायोग्राफी आपको यहाँ पे कवर करनी है ठीक है इस वाले के अंदर में। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने के अंदर में। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको इसका भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मतलब 5 एग्ज़ाम हो जाते हैं आपके ठीक है। अगला बुक जो होता है MHI 04 का, उसके अंदर में आता है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, सोशल थॉट्स क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे गांधी से लेकर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ठीक है, हो गए पंडित मतलब जितने भी हमारे लोग भारत के अंदर में जो रहे, जिन्होंने विचारक रहे ठीक है, चाहे आप बात करो भीमराव अंबेडकर की ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो भी विचारक रहे जिन्होंने कुछ बोला है ठीक है मॉडर्न इंडिया के थॉट्स को लेकर, पॉलिटिकल को लेकर, सोशल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना। तो दोनों बुक ऑलमोस्ट सेम है, एक बुक के अंदर में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, दूसरे बुक के अंदर में सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं पर मॉडर्न इंडिया क्या, कि मॉडर्न इंडिया का थॉट्स क्या है ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन दोनों बुकों को पढ़ा जाता है। अब देखो यहाँ पे वापस आते हैं हम थोड़े से स्टार्टिंग वाली चीज़ों पर। आपके पास टोटल 32 क्रेडिट है ठीक है, 4 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो एक सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, उससे मतलब नहीं है, 32 क्रेडिट आपको खर्च करने हैं। तो 32 में से 8 क्रेडिट तो आपके खत्म हो गए, बचे आपके 24। अब 24 में या फिर 3 सब्जेक्ट आप 8-8 क्रेडिट के ले लो, या फिर आप 2 सब्जेक्ट 8-8 क्रेडिट के लो और उसके बाद 1-2 सब्जेक्ट ही ले लो 4-4 क्रेडिट के, ये बनते हैं ऑप्शन आपके ठीक है। अब वो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट 8-8 क्रेडिट के कौन से लें ठीक है, अगर ये वाला लेते हैं 4-4 क्रेडिट के तो ये दोनों आएंगे, बाई वन गेट वन फ्री आएंगे ठीक है। तो अगर मान के चलते हमने ये ले लिया और ये ले लिया तो भी हमें 2 सब्जेक्ट और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 16 पॉइंट बचते हैं ठीक है। तो 16 पॉइंट अगर बचते हैं तो उस हिसाब से आपको अगर लेते हो तो MHI 08 और MHI 09 लेना चाहिए, 6 और 10 को अवॉइड करना चाहिए। 6 और 10 इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम को कवर करते हो। बट आप मेरी तरह स्टूडेंट हो जो आप सोचते हो कि यार 5 एग्जाम देने से अच्छा है कि 4 एग्जाम दूँ ठीक है, क्योंकि एग्जाम का आपको डर है मन में ठीक है, तो इस वाले सब्जेक्ट को छोड़ो, फिर MPS वाले को छोड़ो, फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि MHI 06 और MHI 010 में से कौन सा सब्जेक्ट लो
ठीक है, MHI-03 कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा। MHI-08 ईजी है, MHI-08-09 ईजी है, तो इन दोनों को भी रखो। तो तीन सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए। फिर से आपके पास अब फिर से दो सब्जेक्ट में से ऑप्शन है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि MHI-06 की तरफ जाएँ। MHI-06 इसलिए क्योंकि वो इजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक कर पाओगे, लंबे पीरियड ऑफ टाइम को तो कवर करता है बट आप इंटरलिंक कर पाओगे इजिली, ठीक है। पर MHI-010 के अंदर में ऐसा नहीं है, आप लिंक इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। इजी तो है कि समझ में आएगा कि ये वाला चीज़ ऐसा है, पर बहुत सारे चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट 40-35 चैप्टर हैं, और हर एक चैप्टर एक दूसरे से अलग है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है। लंबे पीरियड ऑफ टाइम को भी रहता है पर वो थोड़ा सा दिक्कत आता है। पर अगर मान लो आपको नगरीकरण के बारे में पहले से ही पता है, अर्बनलाइजेशन के बारे में पहले से ही आइडिया है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि हड़प्पा की अर्बनलाइजेशन किस प्रकार का था, अलग अलग समय टाइम पीरियड पे किस तरह से किया गया, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा जैसे श्वेत और अश्वेत नगरों का उदय किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जो अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा मतलब जो शहर बसाए जा रहे थे किस प्रकार से बसाए गए, किस प्रकार से बनाए गए, कलकत्ता मुंबई चेन्नई का उदय किस प्रकार से हुआ, बॉम्बे मुंबई कैसे बना, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मुंबई का उदय किस प्रकार से हुआ, किस तरह से पुर्तगालियों ने उन्हें दहेज के तौर पर दिया अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो किंग थे उनको, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से जानकारी है तो फिर MHI-010 की तरफ जाएं, नहीं तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा कि MHI-06 लें, ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो। यहाँ पर नॉर्मली सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे आपके, MHI-03, ठीक है, जो आप जिसके अंदर में आपको हिस्टोग्राफी पढ़ना है, MHI-08 जिसके अंदर में आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, MHI-09 जिसके अंदर में आपको नेशनल मूवमेंट कवर करना है, तीन सब्जेक्ट कन्फर्म। उसके बाद में आप चले जाओ MHI-06 या फिर MHI-010 पे। MHI-010 तभी लें जब आपको नगरीकरण के बारे में आइडिया है। मैंने MHI-010 लेकर रखा था, मैंने MHI-010 से हमें हिस्ट्री सेकेंड ईयर क्लियर करी है, ठीक है। अगर आप सही हो, समझ में आता है आपको अर्बनलाइजेशन, तो आप वो लें, ठीक है। MHI-010 के जो जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट आपने 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर में पढ़े हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। पर वहीं पर जो इसका सोशल स्ट्रक्चर वाला है वो आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, बट आप पढ़ोगे तो वो भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी लिंक दिया जाता है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद रीसेट कर दिया जाता है, तो जिससे आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो जब भी कमेंट करें तो कोशिश मैं करूँगा कि जल्दी जल्दी मैं डाल दूँ, जिससे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी लिंक मांगेंगे तो वहाँ पर मैं दे दूंगा, जिससे आपके जल्दी आप ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपना यूज़ कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कुछ भी चीज़ें हैं इन फ्यूचर, एमए हिस्ट्री सेकंड ईयर कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कर रहे हो, कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।